बतिया सबके दिहले बताई पंजानी सनिए के बटन दबाई कमले से ओझा जी के विजयी बनाई पंजानी सनिए के बटन दबाई कमले से ओझा जी के विजयी बनाई आप लोगों के साथ जो छलावा भाजपा की सरकार कर रही है बाकायदी हितने सब परेशान है। आने वाले 7 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में वोट डालें। मैं छत्तीसगढ़ के बात बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किसानों की हितैषी सरकार है, धान का 2500 रुपये क्विंटल दे रही है और एक चीज़ और बता दूँ कि वहाँ 2 रुपये किलो में गोबर को भी खरीदा जा रहा है और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आती है छत्तीसगढ़ का भारत यहाँ भी लागू किया जाएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले, कांग्रेस की सरकार लाए, यहाँ भी किसानों का कर्ज माफ़ होगा, बिजली बिल माफ़ होगा। आदरणीय हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री डॉक्टर प्रेम साय जी, आदरणीय जनता महाराज जी, आदरणीय के ध्रुव जी भाई, शहर अध्यक्ष कमलेश, यहाँ के प्रत्याशी कमलेश ओझा जी, शहर के अध्यक्ष भाई राजू जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खान साहब और सभी उपस्थित युवा कांग्रेस महिला कांग्रेस। एक बार आप सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट से सोनभद्र की आवाज को छत्तीसगढ़ तक पहुंचाइए। बोलिए भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी कामयाब करिए, यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी अपील है। धन्यवाद। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष फरीद खान जी और शहर अध्यक्ष हमारे राजू त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा और अपने तमाम पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सबको आशीर्वाद दें। काका हमारा आ गई सोनभद्र के जिला मुख्यालय रावर्सगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस सभा में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ से आए मंत्री डॉक्टर प्रेम साय जी टेकाम, दूसरे मंत्री अमरजीत भगत जी, आदरणीय चिंतामणि महाराज, आदरणीय के ध्रुव, आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष हाजी फरीद अहमद जी, भाई राजीव त्रिपाठी जी, भानु प्रताप जी, मुस्ताक खान जी और हमारे गांव से राजान कर्नाटक जमीन से जुड़े हुए प्रत्याशी भाई कमलेश ओझा जी, सिद्धांति तिवारी जी, खान सिद्धी जी, रमेश पांडे जी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, राजेश द्विवेदी जी, जितेंद्र पासवान जी, कौशलेश पाठक जी, मुख्यमंत्री का चर्चा होगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों को जो सौगात दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान के किसान दिक्कत में है, जब अपना अधिकार मांगते हैं, अपने उपज का दाम मांगते हैं तो उनको लाठियां बरसाई जाती है और आंदोलनकारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ मॉडल की मांग की जाती है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में दोनों हम लोग भाई भाई हैं, दोनों पड़ोस। आम जनता त्रस्त है अपनी समस्याओं से,
और ये समस्या की देन भारतीय जनता पार्टी ने आपको इस समस्या दी है। नोटबंदी करके आपके जेब से पैसा निकाल के बैंकों में जमा कराया और इनके मित्र बैंक से पैसा डकार के विदेश भाग गए। यही पैसा है जो बड़े उद्योगपतियों के कर्जा माफ किए। जीएसटी लागू किया, महंगाई बढ़ी, लॉकडाउन में तो सबका रोजगार छीन लिया, परिवार से लोग बिछड़ गए, सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हो गए। इस सरकार ने आपको न दवाई उपलब्ध